नमस्कार, मेरा नाम माही गुप्ता है। मैं बिहार की रहने वाली हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांस कम्युनिटी के लोगों की लाइफ जर्नी काफ़ी स्ट्रगल भरी रहती है। जैसा कि मैंने अपनी लाइफ में स्टार्ट किया था 2012 से, जब मुझे पता चला मेरे जेंडर आइडेंटिटी के बारे में कि मैं एक वूमन खुद को फील करती हूँ, और तो फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस किए मैंने अपना जेंडर चेंज करने के बाद। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए, जॉब के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हुए, फिर भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। मैंने बच्चों को सॉफ्ट टॉय टेडी बेयर सिखाया, मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया है, मैंने NGOs में वर्क किए हैं, सोशल वर्क किए हैं, मैंने HIV/AIDS पे काम किया है, कैंसर पेशेंट के लिए मैंने काम किया है, सेक्स वर्कर को के लिए मैंने काम किया है। प्लस मैंने विवेक ओबराय अनुपम खेर के थ्रू अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया, क्योंकि ट्रांस कम्युनिटी की लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल हैं। उसके बावजूद भी मैंने कभी नशा का मतलब रास्ता नहीं अपनाया, कभी नशा नहीं किया। इसकी वजह से मुझे सम्मानित किया गया है। विवेक ओबराय, अनुपम खेर, संजय दत्त की बहन थी प्रिया दत्त, उन्होंने भी सम्मानित किया। बहुत सारे फिल्म स्टार थे, सिंगर थे। उसके बाद मैं 2020 में मेट्रो में जॉब कर रही हूँ। 2017 में मैंने मिस बिहार का खिताब जीता है, और 2018 में मैंने नेशनल लेवल पे मिस टॉप 10 बिहार रह चुकी हूँ, मिस बिहार रह चुकी हूँ। 2019 में मैं मिस रेनबो क्वीन विनर रह चुकी हूँ, और 2020 में आप जैसा जानते हैं कि मैं मेट्रो में जॉब कर रही हूँ। आगे मैं चाहती हूँ कि और भी इसी तरह के प्लेटफॉर्म बहुत सारे लोगों को मिले, बहुत सारे और भी ट्रांस कम्युनिटी के लाइफ में चेंजेस आए और वो खुद को प्रूव कर पाए। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि जिस तरह का मतलब पहले जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी लोगों को, वो आज के दौर में मिल रही है, और आगे और भी अच्छी मिले। जैसे कि हमारी कम्युनिटी में भी बहुत सारे लोग हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, बेस्ट ड्राइंग आर्टिस्ट हैं, पार्लर के स्किल उनका अच्छा है, उनका मतलब फील्ड वर्क अच्छा है, हर एक चीज़ में हमारी ट्रांस कम्युनिटी अब बराबर का हिस्सा ले रही है। तो हम चाहते हैं, सरकार से यही अपील है कि वो और भी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे ट्रांस कम्युनिटी को मौका दे और आगे बढ़ने के चांसेस दे।